एक लड़के के बहुत ज़्यादा चोट आ गई। जैसे दिखाया कि बहुत ही पतला रोड है, तो यहाँ से अभी फ़िलहाल आप व्यू इन्जॉय करो, इतना प्यारा आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो गाइज ये देखो अब व्यू। तो हे गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आपने बंगस और पहलगाम वाली वीडियो देख ली होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है उन वीडियोस में। और उनका लिंक मैं बेल आइकन में, नहीं तो इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अभी आप स्किप मत करना, पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और आज मैं आपको बहुत ही एक नई जगह घुमाने ले जा रहा हूँ, शायद ही आपने यूट्यूब पर या कहीं देखी होगी शायद, मेरे हिसाब से। अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो को पूरा देखना ज़रूर। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, वो आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा, इतनी भी जल्दी क्या है। तो आगे आप देखते रहना वीडियो को। तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 12 बज रहे हैं और हम सब रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। आपको जैसे पता ही है हम सारे जाते हैं, फैमिली जाती है पूरी घूमने, तो अब हम सारे निकलने वाले हैं, बस थोड़ी देर में निकलेंगे। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ, थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे थंबनेल और टाइटल देख के कि कहाँ जा रहे हैं। तो अब आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि मेरे जो भी लेटेस्ट अपडेट रहती है वो वहीं रहती है, मैं पहले स्टोरीज वहीं डाल देता हूँ, जिससे कि आपको पहले पता लग जाएगा। तो मुझे वहाँ जाके ज़रूर फॉलो कर लेना, और सब चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। वीडियो ख़त्म होने से पहले आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। तो चलो चलते हैं। सो फाइनली गाइज अब हम निकल रहे हैं घर से, और घर पे गेस्ट आ गए थे इस वजह से थोड़ा लेट हो गए, और अभी बज रहे हैं 1 बज रहा है, अब हम निकल रहे हैं। तो अभी हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं क्योंकि अरफात कुछ काम से जा रहा है और डॉली बुआ साथ पे जा रही है, तो वो कुछ काम से जा रहे हैं, वो बाद में वहीं मिलेंगे हमें। तो वो अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, हम अपनी गाड़ी में यहाँ से जा रहे हैं। तो पापा अभी कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं बाबा शुक्रदी, और कहाँ जाएंगे? वुलर लेक के ऊपर है। अच्छा, आगे पहले उसके बाद फिर आगे जाएंगे और अच्छा कहीं देखेंगे और कहीं जाएंगे, वो भी बताएंगे आपको। तो गाइस बिल्कुल ही आपने ये नहीं देखा होगा कहाँ जा रहे हैं, मतलब आपने कभी यूट्यूब पे शायद ही देखा होगा, तो आपको दिखाने वाले हैं। तो बाकी आप रास्ता एंजॉय करना, मैं आपको दिखाता रहूँगा। सो गाइस ये है मेन चौक सोपर का, और यहाँ से अब हम लेफ्ट लेंगे बांडीपुर की तरफ, और अब हम यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे। तो आगे आपको रास्ता जो भी होगा मैं अपडेट करता रहूँगा जैसे भी होगा। गाइज मैं आपको अभी दिखाता हूँ चावल के खेत, जो बोलते हैं चावल के दान बोलते हैं ना, चावल के दान बोलते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ कितने अच्छे और सुंदर लगते हैं, और ये इसी मौसम में लगते हैं ना शायद, हाँ इसी मौसम में लगते हैं। तो गाइज ये लगे हुए हैं यहाँ पे चावल के खेत हैं पूरे। तो अभी हम रास्ते में रुके थे आपको दिखाने के लिए, तो सोपर से ये जहाँ हम जा रहे हैं वो रास्ता आधे घंटे का रास्ता है। तो अभी थोड़ा नैरो रोड है इसलिए मैं सही से ना दिखा पाऊँ, तो इसलिए सॉरी। तो चलो आगे आप रास्ता एंजॉय करो। तो गाइस ये देखो अब हिली रोड शुरू हो चुका है, अब हम पहाड़ पे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया हमने, तो देखते जाओ अब आगे नज़ारा। तो गाइज ये जाता है मंगलू की तरफ और ये जाता है बाबा शुक्रुद्दीन की तरफ। तो इस रास्ते को ना क्या बोलते हैं जो मंगलू की तरफ जाता है? मैप में रामपुर आएगा, लोकल यहाँ पे मंगलू बोलते हैं। तो लोकल यहाँ पे मंगलू बोलते हैं, और आगे हम अभी बाबा शुक्रुद्दीन जा रहे थे, वहाँ से हम ऊपर की तरफ राइट मुड़ेंगे, मैं वो रास्ता भी आपको दिखाता हूँ। बाद में हम वापस आते टाइम मंगलू की तरफ जाएंगे, वहाँ से बहुत ही प्यारा नज़ारा आता है, वो भी आपको व्यू इन्जॉय कराएंगे।
तो अभी मैं आपको आगे रास्ता दिखाता हूँ कि बाबा शुक्रुद्दीन की तरफ कहाँ से मुड़ना है। तो ये देखो गाइज, लिखा हुआ बाबा शुक्रुद्दीन और यहाँ से मुड़ना है हमने राइट। ये देखो ये रास्ता मुड़ रहा है, अब हम यहाँ रास्ते में राइट मुड़ेंगे। ये आगे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अब ऊपर पार्किंग करेंगे गाड़ी की। तो गाइज ये देखो कैसा रास्ता होता है, बिल्कुल नैरो रोड होती है। तो इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इस रोड पे चलाना और रिस्की भी होता है वीडियो शूट करते हुए, रोड की तरफ ध्यान रखना पड़ता है। तो बाकी अभी आपको ऊपर जाके एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखाता हूँ। थोड़ा बहुत अगर विंड नॉइस आ रही हो तो हमने एसी चला लिया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है आज, पता नहीं कैसे। वैसे कश्मीर में कभी ज़्यादा गर्मी होती नहीं मगर आज ज़्यादा गर्मी है। तो अभी ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से आपको व्यू दिखाता हूँ और बाबा शुक्रुद्दीन दिखाता हूँ। तो गाइज अभी हम साइड में रुके हैं आपको एक बहुत ही प्यारा व्यू दिखाने के लिए जो रास्ते में आता है। ये एक व्यू पॉइंट ही है और बिल्कुल मैंने आपको अभी जैसे दिखाया कि बहुत ही पतला रोड है। तो यहाँ से अभी फ़िलहाल आप व्यू इन्जॉय करो, इतना प्यारा आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो गाइज ये देखो अब व्यू। तो गाइज ये देखो, ये है वुलर लेक, एशिया की सबसे बड़ी लेक है ये, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ये देखो कितने प्यारा व्यू है यहाँ से, और उस साइड देखो आप, अगर आपको तक रहो देखो कहाँ तक है, और इधर से व्यू देखो आप। तो गाइज ये रही अपनी गाड़ी और वो देखो कितना पतला रोड है और वो देखो कितना ऊपर जाना अभी हमने। ये देखो ये जा रहा रास्ता ऊपर बाबा शुक्रुद्दीन की तरफ। तो गाइज ये है एंट्री यहाँ से, ये देखो, और यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री लिखी हुई है। तो गाइज आप इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना ब्रीफ हिस्ट्री जो है इसकी। तो ये है रास्ता। तो गाइज अभी हम यहाँ से नीचे उतर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मंगलू की तरफ, और वहाँ पे पहाड़ हैं और बहुत अच्छा व्यू है। वहाँ पे हम बैठ के लंच करेंगे और आपको आगे दिखाऊंगा रोड कैसा है। अगर आप मंगलू की तरफ आते हो तो आपने मैप में रामपुर डालना है। तो बाकी आप आगे रास्ता इंजॉय करो और अब हम दूसरी पहाड़ी पर चढ़ने लगे हैं। तो चलो अब आपको इंजॉय कराते हैं पहाड़ी। तो गाइज एक व्यू मैंने आपको नीचे से दिखाया था और एक व्यू मैं अभी आपको यहाँ से दिखाता हूँ, इतना प्यारा नज़ारा है। तो आप अब व्यू इन्जॉय करो। तो
तो गाइज वो देखो वहाँ उस पहाड़ी से अब हम इस तरफ को आए हैं, और वो देखो एशिया की सबसे बड़ी लेक वुलर लेक, कितनी बड़ी है गाइज देखो आप, देखो कितनी बड़ी है ये। और चाहे तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो इस बारे में। और उस पहाड़ी से हम आए इस तरफ, अगर पूरा आपको दिख रहा वो वाली पहाड़ी, वो वहाँ गए थे हम लोग, और अब यहाँ ऊपर की तरफ आए हैं। अभी हम साइड में रुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, तो अरफात भी आ चुका है, अभी आपको अरफात से ही मिलाता हूँ। तो अभी रास्ते में क्या हुआ, अरफात हमारी तरफ को आ रहा था, तो हमारे आगे चार लड़के एक स्कूटी पे जा रहे थे, तो उन्होंने क्या करा कि अरफात को ओवरटेक किया और आगे जाके उनकी स्कूटी स्लिप हो गई और वो नीचे गिरने वाले थे, मतलब पहाड़ से नीचे खाई की तरफ गिरने वाले थे, मगर वो बच गए कैसे, मैं आपको उसकी क्लिप दिखाता हूँ। तो आपने वो क्लिप देख ही ली होगी कि क्या हुआ, वो गिर गए थे, उनकी स्कूटी ख़राब हो गई, एक लड़के के बहुत ज़्यादा चोट आ गई यहाँ पे, पूरा निशान और खून वून निकल रहा था बहुत ज़्यादा। तो कोई नहीं, चलो बच गए वो लोग, नुकसान का तो कोई नहीं मगर बच गए। तो अब हम खाना खाते हैं और थोड़ी देर बैठेंगे, इंजॉय करेंगे। तब तक आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पे आप रील वगैरह मेरी देख लेना जो मैं डालूँगा। चलो इंजॉय करते हैं और आप भी करो। तो गाइज अभी हमने खाना वाना खा लिया है और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं घर की तरफ, तो अब मैं आपको सीधा घर पे मिलूँगा, और तब तक आप रास्ता इंजॉय करो, बाकी बातें आप घर जाके करेंगे। अभी हम रुके हैं सोपर के अड्डे में, जहाँ पे बसेस रुकती हैं, जहाँ से बसेस मेन चलती है, आपको अगर दिख रहा हो पीछे बसेस हैं। तो यहाँ का लोकल सिंघाड़ा जो होता है वो लेने के लिए हम रुके हैं, बहुत टेस्टी होता है वो, यहाँ पे मिलता है जो, तो वो यहीं सोपर की जो मेन अड्डा है यहाँ पे मिलता है। तो अभी फ़िलहाल यहीं रुके हैं, ले रहे हैं, फिर अब आगे अब घर की तरफ निकलेंगे। बस यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर अब हमारा घर, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितनी अच्छी, मतलब मार्केट लगती है यहाँ पर, और बहुत सारी शॉप्स भी हैं यहाँ पर। तो गाइस फाइनली अब हम घर आ चुके हैं, और हमने रास्ते में तो सामान लेना था कुछ तो वो लिया, और अब हम घर वापस आ गए हैं। और अरफात बाहर गया है कुछ काम से, तो वो थोड़ी देर में आएगा। बहुत मज़ा आया होगा इस पूरी वीडियो को देखने में, तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक करके ज़रूर जाना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, जिससे कि मेरी जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ।